हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट्थ, आज हम डिस्कस करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स की। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक, यानी कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकता है। इससे क्या होता है, फायर को ना बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी सप्लाई को रोक देता है, जिससे वो आग जो है बुझ जाती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंगर से स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर ग्रेट प्रेशर। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ भरी जाती है। ठीक है, व्हेन यू ऑपरेट द फायर एक्सटिंगर लीवर द प्रेशर रिलीज एंड द CO2 बाय द डिफ्यूजर एक्सपेंड बैक इनटू गैस कूलिंग द सराउंडिंग एयर। जब तुम फायर एक्सटिंग्विशर के लीवर्स को ऑपरेट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ी से बाहर एक्सपेंड होती है और वापस गैस में बदल जाती है, जिससे आसपास के आसपास की सराउंडिंग की एयर को ठंडा कर देती है, जिससे वो आग बुझ जाती है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। दूसरा, ब्लैंकेट। अगर तुमने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति में आग लग जाती है, वो जलने लगता है, तो उसके ऊपर हम ब्लैंकेट डाल के उसकी आग को बुझा देते हैं। इससे क्या होता है, उसे ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो कट हो जाती है, जिससे आग बुझ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन की। कंबशन जो है 3 टाइप्स के होते हैं, रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन एंड स्पॉन्टेनियस। तो रैपिड कंडक्शन की बात करते हैं हम, तुमने देखा होगा LPG जो गैस होती है वो लाइटर, जैसे लाइट करते हैं, स्पार्क हल्का सा होता है, तुरंत जल जाती है ना। जो तुरंत जलते ही हीट और लाइट प्रोड्यूस करने लगे, इस टाइप के कंबशन को हम रैपिड कंबशन कहते हैं। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन क्या होता है कि कभी कभी ना ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गैस निकल आती है हीट और लाइट के साथ, जो सडन रिलीज ऑफ गैस है इस लाउड नॉइज़ के साथ, इसी को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। यानी कि एक अनकंट्रोल्ड ब्लास्ट होता है। ठीक है, तो गन जो है या बहुत सारे बम धमाके होते हैं, ये सारे एक्सप्लोजन जो हैं इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है कि ये अपने आप ही जलने लगता है, कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन प्रोवाइड नहीं करते, फिर भी जलने लगता है। ठीक है, जैसे कि रैपिड यूनियन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन और कार्बन, ये इनके यूनियन यानी कि कॉन्टैक्ट में आने पर ये जलते हैं। द रैपिड रिएक्शन राइजेज द टेम्परेचर अबव द किंडलिंग पॉइंट एंड द सब्सटेंस बिगिन टू बर्न। फॉर एग्जाम्पल, वाइट फॉरेस्ट हैज़ अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, दैट 31°C। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी चीज़ जैसे ही बाहर कॉन्टैक्ट में आती है ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में, और वो तुरंत जलने लगती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है फॉस्फोरस का, इसका जो टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर 31°C है। यानी कि अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में लाते हैं जिसका 31°C से ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वो जलने लगेगा। ठीक है, इसीलिए ना इसको पानी में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि पानी में टेम्परेचर 31°C से कम मिलता है। पानी से बाहर निकालते ही ये अपने आप जलने लगता है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स का स्पॉन्टेनियस कंबशन का दूसरा एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन जो होता है कब होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई, प्रॉपर सप्लाई अगर ऑक्सीजन की है तो कंप्लीट कंबशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट, उसमें बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से ना हो, तब कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट निकल के आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।